उच्च न्यायालय अधिवक्ता ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। उत्तर प्रदेश के बहराइच से खबर सामने आ रही है। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता और हमराह के राष्ट्रीय विधिक सलाहकार द्वारा जनपद बहराइच में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिलाधिकारी बहराइच को ज्ञापन देकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग की गई है। पत्र में अधिवक्ता ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रशासन की मिलीभगत से सरकारी धन का दुरुपयोग हो किया गया है। बोर्ड द्वारा की गई जांच में अंक पत्र फर्जी पाए जाने के बाद वेतन दिया जाना अत्यंत ही गंभीर अपराध है। कूट रचित अंक पत्र पर नियुक्त भांडी कुंडा ब्लॉक हुजूरपुर जनपद बहराइच से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रामावती के विरुद्ध विभाग द्वारा कराई गई जांच और माननीय न्यायालय के आदेश से स्पष्ट है कि नियुक्त कूट रचित अंक पत्र के आधार पर की गई थी। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के विरुद्ध कार्यवाही की अपेक्षा भी प्रशासन से की है। अंक पत्र की जांच विद्यालय और बोर्ड द्वारा भी कराई गई थी, जिसमें भी कूट रचित अंक पत्र पाया गया है, लेकिन उसके बाद भी जिला कार्यक्रम अधिकारी का विभाग कार्यवाही न करके फर्जी नियुक्त आंगनबाड़ी का बचाव करने का प्रयास कर रहा है और सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी नीति का खुलकर धज्जियां उड़ा रहा है। हमराह के विधिक सलाहकार से बात करने पर उनके द्वारा कहा गया है कि भ्रष्टाचार समाज में दीमक की तरह है, जो एक दिन समाज को खोखला कर देगा। हम हर तरह के भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाते रहेंगे और न्याय के लिए हर स्तर पर संघर्ष भी करेंगे। मेरा नाम राजन सिंह है और मैं लखनऊ उच्च न्यायालय में अधिवक्ता और हमराह का राष्ट्रीय विधिक सलाहकार हूँ। आज हमने जनपद बहराइच में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिलाधिकारी महोदय से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है। एक प्रकरण 2006 से ग्राम पंचायत भाटीकुंडा में कूट रचित अंक पत्र पे एक आंगनबाड़ी की नियुक्ति हुई थी, जिसमें सभी जांचें हो गई हैं और माननीय न्यायालय ने भी अपने आदेश में स्पष्ट कह दिया है कि नियुक्ति कूट रचित अंक पत्र के आधार पे की गई थी, लेकिन विभाग की मिलीभगत की वजह से उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी, किंतु विभाग द्वारा अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध में हम जिलाधिकारी से पहले भी मिल चुके थे, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कार्रवाई का। आज फिर हमने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है कि कठोर से कठोर कार्रवाई करते हुए ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो फ्रॉड करते हैं और किसी दूसरे के अधिकारों का हनन करते हैं, इन पे प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए और वेतन की रिकवरी भी होनी चाहिए। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया है। इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे और भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे।